Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू अनकट डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनकट डिजिटल पॉइंट। गाइस आपका भाई एक बार फिर से आ गया आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जो मेरे पास काफी कमेंट्स करते हैं, मुझे बोलते हैं भाई एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जहां पर सैलरीड पर्सन लोन ले सके। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, यहां से ले सकते हैं आप 10,000 रुपए तक का इंस्टेंटली लोन। कैसे आपको यहां पर ये लोन मिलेगा, क्या आपको करना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कितना इंटरेस्ट होगा, सब कुछ आगे बता दूंगा वीडियो के, बिल्कुल मत करना। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां से आप ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखा देगी जिसका नाम है सुपर कैश। बड़ी जबरदस्त वाली एप्लीकेशन है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ, 4.4 रेटिंग है, 100K+ डाउनलोड की जा चुकी है ये वाली एप्लीकेशन। तो गाइस सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ गाइस, आपको यहाँ पर मिलेगा 10,000 रुपए तक का लोन इंस्टेंटली, ठीक है, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड। अगर आप सैलरीड है तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखानी होगी, और आपको यहाँ पर लेटेस्ट सैलरी बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। एड्रेस प्रूफ में आप यहां पर आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, और आपको यहां पर एक सेल्फी और आपकी जो कंपनी आईडी है वो आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे, ये है एलिजिबिलिटी यहां पर लोन लेने के लिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो सिंपली गाइस आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो आपने ओके लेट्स गो पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने अलाउ कर देना है, यहाँ पर ये इन सभी को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद गाइज इंटरफेस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सो गाइज शुरू में आप यहाँ पर 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको 14 दिन के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम लोन लिमिट जो है वो 6,000 रुपये की है। तो सिंपली आपने यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। सो गाइज अगर आप एक नए कस्टमर हैं तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, आपका मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई होगा, ठीक है। ओटीपी मेरे पास आ चुकी है, चलिए मैं यहां पर ओटीपी डाल देता हूं अभी। और ओटीपी डालने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर एक पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, कंफर्म पर क्लिक करना है, बिगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप बिगिन पर क्लिक करते हैं तो गाइस अब आपको यहां पर सबसे पहले आईडी इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद आपको यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद आपको यहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होगी, और लास्ट में आपको यहां पर वर्क इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी होगी। सबसे पहले गाइस आपको यहां पर आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है। तो चलिए हम यहां पर जल्दी से अपने आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड के फ्रंट फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पर जो है मेरा नाम, मेरा जेंडर और मेरा डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड की बैक फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड की बैक फोटो भी अपलोड कर देते हैं। तो गाइज आधार कार्ड की बैक फोटो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, और सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। सिंपली मुझे यहाँ पर केवल अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी मेरी सिटी है यहाँ पर। तो चलिए गाइज मैंने यहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद यहाँ पर मेटल स्टेटस मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और कन्फर्म कर देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, अगर आप करेक्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, और आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देते हैं। तो गाइस पैन कार्ड की फोटो मेरे यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। पैन कार्ड की फोटो अपलोड करते हैं, मेरे पैन कार्ड का जो नंबर है नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपनी सेल्फी भी अपलोड कर दी। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एक ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर करंट स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद करंट सिटी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी।
उसके बाद करंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा और लास्ट में आपको यहाँ पर करंट एड्रेस पिन कोड आपको डालने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे, एक अपनी फैमिली में से और दूसरा अपने फ्रेंड्स का। ध्यान रहे आपको यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दे वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं गाइज, ये है इसका लास्ट स्टेप जिसके अंदर आपको वर्क इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सैलरी स्लिप अपलोड करते ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की डिटेल नीचे आ जाएगी। तो गाइज कंपनी की डिटेल तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अगर कंपनी की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम डाल देना है, उसके बाद कंपनी का फोन नंबर, उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस डाल देना है, उसके बाद आपकी पोजिशन क्या है कंपनी में वो डाल देनी है, और आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और लास्ट में आपको डालनी है यहाँ पर आपकी सैलरी डेट, आपकी सैलरी कौन सी तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है। ये डिटेल आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी होगी, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। तो गाइस इससे आगे की डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं सैलरीड नहीं हूँ और ना ही मेरे पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ये तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और बोले थे भाई सैलरीड के लिए वीडियो लेकर आइए, तो गाइस मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप सैलरीड है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आपकी कंपनी आईडी ये होनी चाहिए और आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर इंस्टेंटली मिल जाएगा। ये थी वीडियो सुपर कैश पर, मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं मैंने पहली बार वीडियो देख रहे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।